हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन से क्वेश्चन है, जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखते हैं, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन लिखते हैं, फिर दोनों को सोल्व करते हैं। तो अगर दो अननोन होते हैं तो दोनों की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 3m इज सस्पेंडेड बाई अ मीटर स्केल। मीटर स्केल का मतलब ये हुआ कि उसका लेंथ जो है 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। मीटर स्केल रॉड ऑफ मास m एज शोन इन फिगर। फिगर देखेंगे, यहां पर जो ब्लॉक है इसका मास 3m दिया गया है और ये जो मीटर स्केल है इसका मास m दिया गया है, साथ में एक स्केल भी बनाया गया है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ये 0, 25, 50, 75, 100 ये सेंटीमीटर में स्केल बनाया गया है, ठीक। अब कहा गया है इफ द टेंशन इन स्ट्रिंग ए जो है ये लेफ्ट वाला स्ट्रिंग है, इज इक्वल टू के एम जी इन इक्विलिब्रियम, देन वैल्यू ऑफ के विल बी, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बताया कि एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी अप्लाई कर सकते हैं और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे दो अननोन है, जो स्ट्रिंग ए है उसमें टेंशन आएगा टी ए मान लेते हैं, और जो बी स्ट्रिंग है उसमें टेंशन टी बी आएगा। दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। वैसे हम लोग डायरेक्ट टी ए भी निकाल सकते हैं अगर टी ए को अननोन मानते हैं, क्योंकि फाइंड यही करना है, तो एक इक्वेशन से भी निकल जाएगा और वो इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, है ना। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, हम लोग यूज करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या करते हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक। तो अगर इस मीटर स्केल की बात करें, इसमें ये जो एंड है राइट साइड वाला एंड, इसको हम लोग क्या करते हैं एक एक्सिस मान लेते हैं, इसके अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक। इनफैक्ट उस स्केल पर कोई भी पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। हम लोग ये पॉइंट लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ वाला जो टेंशन है टी बी, ये हम फाइंड नहीं करना चाहते क्योंकि वो पूछा भी नहीं गया है क्वेश्चन, हमें तो टी ए निकालना है। तो हमने क्या किया, इस राइट एंड को एक हमने एक्सिस मान लिया, उसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं, है ना। टॉर्क अबाउट राइट एंड के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो देखेंगे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसके कारण से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आएगा। क्लॉकवाइज क्यों, अगर ये जो एक्सिस है अगर यहां पर हिंज कर दिया जाए तो ये जो टेंशन लग रहा है लेफ्ट एंड पर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। क्लॉकवाइज को हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव लिख देते हैं। तो टॉर्क आएगा टेंशन फोर्स टी ए इंटू 1 मीटर। 1 मीटर ले सकते हैं या सेंटीमीटर में भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्लॉकवाइज में हो गया। अब ये जो स्केल है इसका खुद का वेट है एम जी, जो कि मिड पॉइंट पर लगेगा। मिड पॉइंट का मतलब है यहां पर 50 सेंटीमीटर लिखा होगा वहां पर, है ना। तो वहां से टॉर्क लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, लगेगा एम जी इंटू ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, अगर यहां पर हिंज किया हो नीचे फोर्स लगेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं यहां पर निगेटिव लिख लेता हूं, ठीक है। तो लिखेंगे फोर्स एम जी इंटू जो एक्सिस है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। उसके बाद एक ब्लॉक लटकाया गया है 3m मास का, तो उसका भी वेट आएगा नीचे 3mg, ठीक है। उसका भी टॉर्क आएगा देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो उसको भी माइनस लिखना पड़ेगा। फोर्स है 3mg
और डिस्टेंस जो है एक्सिस है वो 25 सेंटीमीटर, देखेंगे ये 75 सेंटीमीटर जहां पर लिखा हुआ वहां से स्ट्रिंग से लटकाया गया ब्लॉक को, है ना। तो इसमें क्या है कि जो एक्सिस है वहां से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो इसको 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये हो गया नेट टॉर्क जो कि 0 होना चाहिए क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा भी गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। तो यहां से हम लोग सोल्व करके टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालें देखेंगे, पहले तो 25 से कैंसिल करेंगे तो यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 4, है ना। तो ये हो गया 4TA इज इक्वल टू ये 3 mg और ये 2 mg, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 mg। तो TA जो है इसकी वैल्यू आ जाएगा 5/4 mg, अगर इसको KMG के इक्वल किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि जो टेंशन है वो KMG है, यहाँ पर देखें क्वेश्चन में कहा गया है KMG, है ना। तो ये जो टेंशन हमने निकाला है 5/4 mg, अगर इसको KMG कर देंगे तो MG MG कैंसिल हो जाएगा और K का वैल्यू आएगा 5/4। तो देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन है 5/4, ये करेक्ट ऑप्शन होगा।